नमस्कार, लाइफ सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति सिंह। रामनवमी हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है। यह त्यौहार भगवान श्री राम को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी के दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पावन तिथि पर भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया था। रामनवमी को देश भर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी भक्तजन इस पावन दिन भगवान श्री राम और देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा उपासना और हवन करके अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी पूजा के दौरान हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमें खुद पता तक नहीं होता। तो आज हम आपको इस वीडियो में रामनवमी के दिन कौन से काम करना चाहिए और कौन से कामों से बचना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करके उनकी मूर्ति को पालने में अवश्य झुलाना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में अवश्य स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा नदी में इस दिन स्नान करते हैं तो आपको इसका कई गुना सुफल प्राप्त होता है। तीसरी बात, रामनवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है, इसलिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। चौथी बात, रामनवमी का दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। पांचवी बात, इस दिन राम रक्षा स्त्रोत, रामायण, बजरंग बाण आदि का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान राम आपकी सदैव रक्षा करेंगे। छठी बात, यदि संभव हो तो इस दिन अपने घर पर रामायण का पाठ अवश्य रखें। इस दिन किसी राम मंदिर में जाकर आपको भूखे लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। रामनवमी के दिन राम मंदिर में जाकर रामायण अवश्य बांटें। ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन जानवरों की सेवा अवश्य करें और उन्हें अपने हाथों से कुछ खिलाएं। ऐसा करने से आपको रामनवमी व्रत के सुफलों की प्राप्ति होगी। रामनवमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपको भगवान राम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं कि रामनवमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, रामनवमी के दिन भूलकर भी किसी को अपशब्द ना बोले, ना ही किसी की निंदा करें। इस दिन घर पर लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। रामनवमी पर कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन ना तो किसी कन्या को सताएं और ना ही मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान श्री राम के क्रोध का भागीदार बनना पड़ेगा। इस दिन भूलकर भी घर में मांसाहार और शराब का प्रयोग बिल्कुल ना करें। रामनवमी के दिन किसी भी पशु को ना तो तंग करें और ना ही मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह ना करें, नहीं तो आपके घर में सुख समृद्धि चली जाएगी। रामनवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन भूलकर भी किसी देवी या देवता का अपमान ना करें। ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी प्रकार से भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ऐसा करना वर्जित माना गया है। रामनवमी के दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण का अपमान ना करें, नहीं तो आपको प्रभु राम के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और साथ ही आपके घर में दरिद्रता भी आने लगेगी। उम्मीद है आपको आज की जानकारियाँ पसंद आई होगी। हम ऐसे ही जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारियों से आप हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।